स्क्रीन के साइजेस भले ही छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन टेलीविजन और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज उतने ही पॉपुलर भी होते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई टेलीविजन और डिजिटल मीडियम के एक्टर्स और कंटेंट क्रिएटर्स बिग स्क्रीन सेलेब्स जितने पॉपुलर हो गए हैं और इनसे जुड़े खबरें हेडलाइंस बनती जा रही हैं। Here are the top 10 updates from the world of television and social media. Take a look. Team Anita is right here, and we are now parents of a baby boy. Yes. Anita Hasnandani aur unke husband Rohit Reddy are parents in this tinsel town. Yes, you heard it right. Anita Hasnandani and Rohit Reddy got blessed with a baby boy. Is khabar ke bahar aate hi social media par unke fans aur baki television celebrities ki blessings aur good wishes aana shuru ho gayi. We would also like to congratulate and wish them a great parenthood. गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अपने हस्बैंड जैद दरबार का मेकअप करते हुए दिख रही हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए गौहर खान ने कैप्शन में लिखा, सबसे प्यारी चीज। इस वीडियो को देखते ही फैंस ने माशाल्लाह आइकॉनिक जैसे ढेर सारे कमेंट्स किए। शो जमाई 2.0 का ट्रेलर रिवील हो गया। इस ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। In 2014, जमाई राजा पहली बार टेलीविजन पर आया था और इसके 3 साल के सक्सेसफुल रन के बाद मेकर्स ने इसे एक डिजिटल स्पिन ऑफ दे दिया। जमाई 2.0 का ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है और ये बहुत जल्द एक OTT प्लेटफॉर्म पर लोगों को देखने को मिलेगा। रिद्धि डोगरा और मोनिका डोगरा एक नए वेब सीरीज अ मैरिड वुमन में एक साथ दिखेंगी। सीरीज का एक टीजर रिसेंटली शेयर हुआ जिसमें इस कहानी के कुछ ग्लिम्सेस देखने को मिले। अ मैरिड वुमन मंजू कपूर के बेस्ट सेलिंग नॉवल पर बेस्ड है जो एक लोनली शादीशुदा औरत की कहानी बताता है। राहुल महाजन ने सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो में एंट्री लेते ही राखी सावंत की खूब खिंचाई की। राहुल महाजन ने राखी सावंत को ट्रोल करते हुए कहा कि राखी सावंत गरीब होने की सिर्फ एक्टिंग करती हैं। वो एक वेल पेड सेलेब थी जो एक गाने के लिए 12 लाख रुपए चार्ज करती थी। राहुल महाजन ऑल्सो जोक्ड कि राखी सावंत की शादी किसी भी रितेश नाम के आदमी से नहीं हुई है। He added jokingly कि राखी सावंत इतनी बार रितेश का नाम ले चुकी है कि अब रितेश देशमुख और उनकी वाइफ चिंता में आ गए हैं। अभिनव शुक्ला सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो से एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन कई व्यूवर्स को उनका एलिमिनेशन बहुत अनफेयर लग रहा है। एक्टर काम्या पंजाबी ने भी अभिनव शुक्ला के एलिमिनेशन को अनफेयर बताते हुए लिखा कि उनकी नजर में अभिनव शुक्ला ऑलरेडी एक विनर है। मोनी रॉय ने अपने सोशल मीडिया पेज पर 2 वीडियो क्लिप्स शेयर किए हैं जहां वो डायरेक्टली कैमरा में देखकर पोज कर रही हैं। मोनी रॉय who's dressed in a red outfit and has her hair pulled back wrote in the caption कि वो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड बनना सीख रही हैं और उन्हें ये नई फीलिंग अच्छी लग रही है। हिमांशी ने अपने सोशल मीडिया पेज पे अपनी लेटेस्ट फोटोशूट के कुछ स्टनिंग पिक्चर्स शेयर किए हैं। फोटोज में हिमांशी ने रेड वेलवेट का लहंगा पहना है और वो अपने सर पर लाल ओढ़नी लेकर वो कॉयली कैमरा की तरफ देख रही हैं। हिमांशी के स्टनिंग फोटोज को देख के फैंस डैजल हो गए हैं एंड मेनी हैव टोल्ड हर दैट शी लुक्स हर बेस्ट इन द कलर रेड। टीवी एक्टर अनीता राज ने अपने फॉर्मर को स्टार और लेट एक्टर राजीव कपूर की अनएक्सपेक्टेड डिमाइस पर अपना शॉक एक्सप्रेस किया है। दी एक्टर शेड कि वो राजीव जी को बचपन से जानती थी और वो अक्सर उनसे बातचीत करती थी। अनीता जी ने शेयर किया कि राजीव जी ने उनके काम को कई बार अप्रिशिएट भी किया था और उनके इस तरह गुजर जाने से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। रवि किशन मनोज तिवारी और सपना चौधरी एक नए क्राइम शो में एक साथ दिखेंगे। द शो टाइटल मौका वारदात माइंड बॉगलिंग क्राइम स्टोरीज पर बेस्ड होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एक नहीं 3 भोजपुरी एक्टर्स देखे जाएंगे जो हर एपिसोड का प्रिल्यूड पेश करेंगे और कुछ एपिसोड्स में एज एक्टर्स भी अपीयरेंसेस करेंगे।